हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, यानी समय एवं कार्य। तो चलिए आज का पहला वीडियो देखते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन, स्नेहा किसी काम को 8 दिन में कर सकती है। देखिए, स्नेहा का समय कितना दिया है यहाँ? 8 दिन। स्नेहा का समय कितना? 8 दिन। यानी स्नेहा किसी काम को 8 दिन में कर सकती है और नेहा उसी काम को 10 दिन में काम कर सकती है। यानी स्नेहा जो काम को 8 दिन में करेगी, वही काम को नेहा कितना दिन में? 10 दिन में। बताइए, स्नेहा और नेहा मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? यानी दोनों मिलकर कितना दिन में? देखिए, अगर दो व्यक्ति रहे तो दोनों को मिलाकर काम करने में लगा समय क्या होगा? लगाइएगा, जैसे मानते हैं एक व्यक्ति ए है और दूसरा व्यक्ति बी है, दोनों मिलकर काम करने में लगा समय कितना? तो लगाइएगा फॉर्मूला ए गुना बी बटा ए प्लस बी। ठीक है, यानी क्या आ जाएगा? ए गुना बी बटा ए प्लस बी, तो इतना दिन आएगा। ये क्या आएगा? दिन आ जाएगा, ये यानी समय आएगा। देखिए, स्नेहा एक काम कितना दिन में? 8 दिन में, और नेहा उसी काम कितना दिन में? 10 दिन में। तो ए का मान हो जाएगा 8 और बी का मान हो जाएगा 10, यानी दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकते हैं? 8 गुना 10 बटा 8 प्लस 10। यानी कीजिएगा 8 गुना 10 बटा 10 8 18, इसको काट लीजिए। इसको काटेंगे तो आएगा 4 गुना 8 और 9 गुना 18, यानी 40 बटा 9 दिन। ये 40 बटा 9 दिन क्या आया है? तो स्नेहा और नेहा दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय, स्नेहा और नेहा को दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय कितना गया? 40 बटा 9 दिन। 40 बटा 9 दिन यानी ऑप्शन जाएगा बी नंबर, ऑप्शन बी। दो व्यक्ति को काम करने में लगा समय ए गुना बी बटा ए प्लस बी लगा देंगे। या देखिए, इसी को और क्या बना सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि दिन का यानी समय का उल्टा क्या होता है? भाग होता है। तो एक भाग पर ही बनाया जाता है। जैसे स्नेहा किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती है, तो इसको बोल सकते हैं स्नेहा का समय कितना है? 8 दिन। तो बताइए, 1 दिन में कितना भाग काम करेगी स्नेहा? तो उलट देंगे, 8 का उल्टा कितना लगा? 1/8 भाग। ये क्या आ जाएगा? भाग। यानी स्नेहा 1 दिन में कितना भाग? 1/8 भाग। और नेहा उसी काम को 10 दिन में कर सकती है। बताइए, नेहा 1 दिन में कितना भाग? तो 10 का उल्टा करना, 1/10 भाग। भाग पर भी लाकर के बनाया जाता है। देखिए, ये भाग आ जाएगा, यानी दोनों मिलकर 1 दिन में कितना भाग? 1/8 + 1/10 भाग। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ? 40। तो 8 × 5 = 40 और 10 × 6 = 40, यानी 9/40। ये क्या आया है? भाग आया है, भाग। अब भाग का उल्टा क्या जाता है? समय। यानी दोनों मिलकर कितना दिन में? तो आंसर आ जाएगा, उलट दीजिए तो 40/9 दिन। 9 दिन। तो भाग का उल्टा समय और समय का उल्टा भाग, तो भाग पर भी बना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन, करा ए किसी काम को 10 दिन में, यानी ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। तो ए बी सी तीनों मिलकर कितना दिन में? देखिए, तीन व्यक्ति है, ए बी और सी, तीनों मिलकर कितना दिन में? तो इसका याद रखिएगा, ए गुना बी गुना सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इस मेथड से बना लेंगे। तो ये ए का समय कितना? 10 दिन। बी का समय कितना? 12 दिन और सी का समय 15 दिन बटा में ए बी। तो ए बी 10 × 12 की जगह कितना हो जाएगा? 12 × 120। फिर कीजिएगा बी सी, तो 12 × 15 की जगह कितना हो जाएगा? 180। और फिर कीजिएगा ए सी, तो कितना हो जाएगा? 150। तो यह आ जाएगा दिन में, डायरेक्ट दिन में आ जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, 10 × 12 × 15 बट्टा, देखिए सबको जोड़िएगा तो 0 8 2 10 5 15 5 1 3 1 4 450। ये कट जाएगा 15 3 45, 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, यानी 12/3 कितना हो जाएगा? 4। 12/3 कितना हो जाएगा? 4 दिन।
नहीं, कौन सा ऑप्शन जाएगा? डी नंबर, ऑप्शन डी। तो याद रखिएगा, अगर तीन गो का समय दिया रहे तो तीनों को मिलकर काम करने में लगा समय कितना, तो ए गुना बी गुना सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लगा देंगे, निकल जाएगा तीन। या इसी को बना सकते हैं इस तरह से भाग पर, कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है तो ये ए एक दिन में कितना भाग, 1/10 भाग, और बी उसी काम को 12 दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग, 1/12 भाग, और सी उसी काम को 15 दिन में करता है तो एक दिन में कितना भाग, 1/15 भाग। यानी भाग पर भी, अब तीनों को जोड़ लेते हैं, तीनों मिलकर एक दिन में कितना भाग, तो ये एलसीएम में जाएगा तो आ जाएगा कितना, एलसीएम 60 आ जाएगा, 10 6 60, 12 25 60 और 15 4 60, यानी आ जाएगा 6 5 11 11 4 15, 15/60 ये काटिएगा तो 15 4 60 यानी 1/4 भाग, इकाया भाग, यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना भाग, 1/4 भाग। बताइए आंसर कितना हो जाएगा, तो 1/4 भाग इसको उलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दिन आ जाएगा, आ जाएगा दिन, तो 4 दिन। इस तरह से भी बना सकते हैं। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ए और बी दोनों मिलकर एक काम को कितना दिन में, 10 दिन में, और ए अकेला उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए दोनों के भाग में से ए का भाग घटा देंगे तो किसका भाग बचेगा, बी का, और भाग जो बचेगा उसको लौट देंगे तो निकल जाएगा बी का समय। तो निकालिए, ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करता है कोई काम को, तो दोनों मिलकर 10 दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग, 1/10 भाग, दोनों का भाग निकला, दोनों मिलकर एक दिन में कितना भाग, 1/10 भाग। अब ए अकेला उसे 15 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए अकेला 15 दिन में, तो ए एक दिन में कितना भाग, 1/15 भाग। तो दोनों के भाग में से ए का भाग घटा दें तो किसका बचेगा, बी का भाग। एलसीएम कितना जाएगा यहां से, 30, 10 3 30, 15 2 30, यानी 1/30 ये का आया, भाग आया है। अब भाग का उल्टा क्या होगा, समय, यानी 30 दिन कह सकते हैं। यानी बी कितना दिन में कर लेगा, तो 30 दिन में, कौन सा ऑप्शन जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए। आइए चौथा नंबर, तो चौथा नंबर के लिए इसमें दो गो थ्योरी याद रखिएगा, एक थ्योरी है फिनिश, एफ आई एन आई एस एच, फिनिश बराबर इक्वल, ठीक है, बराबर इक्वल, आयोगो डे से गुना करेंगे, डे से गुना करेंगे। देखिए कहां पर फिनिश बराबर इक्वल का फॉर्मूला लगाएंगे और कहां पर डे से गुना करेंगे। देखिएगा, ए एक कार्य को 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, तो यहां लगाएंगे फिनिश बराबर इक्वल। देखिए ए जो है फिनिश कितना कर रहा है काम, 1/3 भाग, कितना दिन में, तो 5 दिन में, तो बराबर 5 रख लेंगे। यानी यहां से कहेंगे ए जो है, यानी 1/3 काम को, 1/3 काम को कितना दिन लगाता है, 5 दिन लगाता है, ठीक है। बताइए ए पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो 3/6 गुना होगा, तो 3 इसमें गुना हो जाएगा, यानी एक काम को कितना दिन में, 15 दिन में, यानी निकाल लिया ए का समय। यानी ए एक पूरा काम को कितना दिन में, 15 दिन में, तो यहां फिनिश बराबर इक्वल लगा करके निकाल लेंगे ए का समय। उसी तरह बी कार्य का 2/5 भाग 10 दिन में, तो बी के बारे में देखिए, बी जो है फिनिश कितना काम कर रहा है, 2/5 भाग, 2/5 भाग, यानी 2/5 काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में, 10 दिन में, तो फिनिश बराबर इक्वल। तो बताइए बी का समय कितना जाएगा पूरा काम को करने में, तो लगाइए 2 5 10, यानी आ जाएगा एक काम को कितना दिन में, तो 5 × 5 कितना, 25 दिन। यानी यहां से निकल गया कि ए पूरा काम को 15 दिन में कर सकता है और बी वही काम को 25 दिन में कर सकता है, का दोनों मिलकर कितना दिन में उस कार्य करेगा, तो दोनों मिलकर कितना दिन में, ठीक है, दोनों मिलकर कितना दिन में, तो लगाइए ए गुना बी बटा ए प्लस बी, यानी आ जाएगा 15 × 25, 15 × 25 ये होगा 15 × 25 बटा ए प्लस बी, तो 15 और 25 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 40। काट लीजिए 5 3 15 और 5 8 40,
75/8 कीजिएगा यहाँ से, 75/8, तो कौन सा ऑप्शन चला जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा 8/9 72, 9 पूर्णांक 3/8। देखिए ऑप्शन बी में गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर होगा 9 पूर्णांक 3/8 दिन, यह आएगा आंसर। तो बी नंबर याद रखिएगा, यहाँ 9 पूर्णांक 3/8 होगा, तो ऑप्शन बी जाएगा यहाँ से, ठीक है, 9 पूर्णांक 3/8 दिन। आइए पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो कह रहा ए किसी काम को 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो लगाइए फिनिश बराबर इक्वल, तो 2/5 भाग को 9 दिन में, तो 2/5 भाग = 9, तो यहाँ से 9 25 45/2, यानी ए के मान, ए का समय कितना गया, 45/2 दिन, यानी फिनिश बराबर इक्वल लगा करके ए का समय निकालिए। करा फिर बी आ जाता है और वे दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं, बताइए दोनों मिलकर 6 दिन में, यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर, ठीक है, दोनों मिलकर कितना काम को, 6 शेष काम को, बताइए शेष काम कितना बचेगा, 2/5 भाग ये कर लिया तो शेष कितना बचेगा, तो एक में से 2/5 भाग कितना चाहेगा, 3/5, तो फिनिश बराबर इक्वल लगाइए, दोनों मिलकर 3/5 भाग काम करता है, ठीक है, लेकिन कितना दिन में, 6 दिन में, 6 दिन में, तो बताइए पूरा काम कितना दिन में, तो 3 गुना 6, यानी एक काम को कितना दिन में दोनों मिलकर, 5 गुना 10 दिन में। देखिए ए का समय मालूम हो गया और दोनों का समय मालूम हो गया, तो बी का समय कितना, तो क्या करेंगे, घटाएंगे भाग, यानी बी का समय निकालिए, तो बताइए दोनों मिलकर पूरा काम को 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना भाग, 1/10 भाग, जिसमें ए पूरा काम को 45/2 दिन में, तो 1 दिन में कितना भाग, 2/45 भाग, भाग पर लाएंगे, अब एलसीएम लीजिएगा यहां से, तो 90 हो जाएगा, 10 9 90, 45 × 90 दुनी 4, 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5/90 कीजिएगा तो कितना, 18, 1/18 भाग आएगा, और भाग का उल्टा क्या होता है, समय, यानी 18 दिन, ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए छठा नंबर, सोनी किसी काम को 2/5 भाग 6 दिन में, तो बताइए सोनी जो है वो 2/5 भाग को 6 दिन में करता है, तो फिनिश बराबर इक्वल लगाइए, 2/5 भाग = 6, तो पूरा काम कितना दिन में, 2 तिहाई 6 कट जाएगा तो 5 तिहाई 15, यानी सोनी पूरा काम को कितना दिन में, 15 दिन में। और मोनी उसी काम को 1/3 भाग 6 दिन में, तो मोनी के बारे में, तो मोनी 1/3 काम करती है कितना दिन में, 6 दिन में, फिनिश बराबर इक्वल लगाइए, 1/3 = 6, तो 6 तिहाई 18, यानी मोनी कितना दिन में, 18 दिन में, यानी फिनिश बराबर इक्वल लगा करके दोनों का समय लिया, यानी सोनी पूरा काम को 15 दिन में कर सकती है और मोनी पूरा काम को 18 दिन में कर सकती है, तो दोनों मिलकर 3/5 भाग को कितना दिन में, देखिए दोनों मिलकर कितना काम करना है, 3/5 भाग, यह याद रखिएगा, डे से गुना करेंगे, लिखा है ना, डे से गुना करेंगे, तो यहाँ पर यूज हो जाएगा, डे से गुना करेंगे, गुना करेंगे, तो किसमें गुना किया जाता है, तो जितना भाग काम करना है ना उसमें डे से गुना करेंगे, तो 3/5 भाग काम कराना है किसको, किसको, दोनों को, तो दोनों को समय से गुना, तो दोनों को काम करने में लगा समय क्या जाएगा, तो 1 गुना 2, यानी 15 गुना 18 / a+b, तो 15 और 18 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 33, यानी दोनों का समय से गुना कर लिए, तो दोनों को काम करने में लगा समय क्या, 1 गुना b / a+b, यहां से काट लीजिए, 5 तिहाई 15, ये जगह 11 तिहाई 33, यानी आ जाएगा 8 तिहाई 54, 54/11, यानी आ जाएगा 4 पूर्णांक 10/11 दिन, यानी दोनों को मिलकर काम करने में लगा समय कितना होगा, 4 पूर्णांक 10/11 दिन, लेकिन कितना काम को, 3/5 भाग काम को, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी चला जाएगा, ऑप्शन डी नंबर। आइए सातवां नंबर क्वेश्चन, करा ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो बताइए ए पूरा काम को 12 दिन में कर सकता है, तो 1 दिन में कितना भाग काम करेगा, तो समय का उल्टा भाग, यानी 1/12 भाग, यानी ए 1 दिन में 1/12 भाग काम कर सकता है, उसने 3 दिन कार्य किया, किसने, ए ने, बताइए ए 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा, 3 दिन में कितना कार्य, तो कह सकते हैं ए 1 दिन में 1/12, तो 3 दिन में कितना, 3/12 भाग,
यानी 3/12 भाग, यानी कितना जाएगा यहां से काटिएगा तो 1/4 भाग, यानी 3 × 12, यानी ए 3 दिन में कितना काम कर दिया, 1/4 भाग काम कर दिया, तो बेटा शेष काम कितना बचा होगा, तो शेष निकालेगा क्या कीजिएगा, 1 में से 1/4 घटाएंगे या 4 में से 1 घटाएंगे, यानी ऊपर में घटा कर नीचे में ज्यों कहते हो, तो 4 में से 3, 3/4 भाग, यानी ए 3 दिन काम कर दिया तो 1/4 भाग काम समाप्त हो गया, तो बचा कितना 3/4 काम। अब यही काम को बी 48 दिन में पूरा किया, यानी 3/4 भाग को, तो बी का निकालिए, तो बी जो है 3/4 भाग काम को, यानी फिनिश बराबर इक्वल, तो फिनिश कितना किया 3/4 भाग, कितना दिन में 48 दिन में, 48 दिन में फिनिश बराबर इक्वल, तो पूरा काम को कितना दिन में करिए, यहाँ 3 × 16 = 48, यानी 1 भाग बराबर कितना, यानी 1 काम बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 भाग कहिए या 1 काम कहिए, वही आएगा 16 × 64 दिन, यानी बी पूरा काम को कितना दिन में करेगा, 64 दिन में करेगा, यानी ऑप्शन ए नंबर जाएगा। आइए 8वां नंबर क्वेश्चन, करे पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और क्यू समान काम को 15 दिन में कर सकता है। समान काम मतलब क्या हुआ, जितना ये काम करेगा पी उतना ही काम क्यू करेगा, तो पी का समय 10 दिन और क्यू का समय 15 दिन, दोनों मिलकर 5 दिनों के लिए काम करते हैं तो काम कितना पूरा होगा, यानी 5 दिन में दोनों मिलकर कितना भाग काम कर लेगा ये पूछ रहा है। तो लगाइए पी और क्यू दोनों मिलकर कितना दिन काम करता है, 5 दिन, 5 दिन में कितना भाग बताइए, पी पूरा काम करता है 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना भाग, 1/10 भाग, तो 5 दिन काम करेगा तो कितना काम करेगा, 5/10 भाग। और बी क्यू, क्यू पूरा काम को 15 दिन में करता है तो 1 दिन में कितना भाग, 1/15 भाग, लेकिन काम कितना दिन, 5 दिन, तो 5 दिन में कितना भाग, 5/15 भाग, काटिएगा 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, यानी आ जाएगा 3 × 2 = 5, 3 × 6 = 6, 5/6 भाग। बताइए दोनों मिलकर 5/6 भाग काम कर दिया कितना दिन में, 5 दिन में, तो ऑप्शन कौन जाएगा, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन, कर ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है। देखिए 50% भाग काम, तो टोटल होता है 100%, तो 100% का आधा हो गया 50%, यानी कितना, आधा काम, यानी ए किसी काम के आधा भाग को 16 दिन में करता है, फिनिश बराबर इक्वल, तो ए जो है ये 1/2 भाग काम को, यानी 1/2 काम को 16 दिन में करता है, बताइए पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 16 × 32 = 32 दिन। बी उसी काम के 1/4 भाग, बी जो है 1/4 काम को कितना दिन में करता है, 24 दिन में करता है, तो बताइए पूरा काम कितना दिन में, तो 1/4 भाग बराबर 24 दिन, 24 × 96 दिन। एक साथ काम करते हुए वे काम के 3/4 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे, इन दोनों मिलकर 3/4 भाग काम कितना दिन में, तो लगाइए काम कितना कराना है, 3/4 भाग, तो जितना काम कराना है उसमें 1.5 से गुना करेंगे, तो कौन कर रहा है, दोनों मिलकर, तो दोनों को काम करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 1 × b / a + b, 32 × 96, और दोनों को जोड़िए तो 6 × 2 = 8, 9 × 3 = 12, 128, ये क्या हो जाएगा, 4 से कटेगा, 4 से कट गया, ये हो जाएगा 4 × 16 = 16, 6 × 96 = 6, 6 × 3 = 18 दिन, यानी दोनों मिलकर 3/4 भाग काम को कितना दिन में, 18 दिन में, ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है, डी नंबर, ऑप्शन डी। आइए 10वां नंबर क्वेश्चन, करा एक्स एक दिन में एक कार्य को 25% पूर्ण कर सकता है। देखिए एक्स जो है वो करा है 25% काम, तो देखिए 25% को तो होगा तो 25/100, यानी कि ना 1/4 काम, 1/4 काम, 25% क्या होता है, 100 का 1/4 होता है, तो 1/4 काम को कितना दिन में करता है, 1 दिन में करता है, बताइए पूरा काम को कितना दिन में कर लेगा, तो 4 × 1 कितना, 4 दिन। अब वाई एक दिन में उसी कार्य को 12.5%, 25% 1/4, और 25% का आधा है 12.5%, 1/4 का आधा कीजिएगा तो कितना जाएगा, 1/8, यानी 12.5% का मान कितना आएगा, 1/8 काम, यानी वाई 1/8 काम को कितना दिन में, 1 दिन में, बताइए पूरा काम को कितना दिन में, तो 8 × 1 = 8 दिन में, यानी एक्स
एक बटा चार भाग काम को एक दिन में, तो पूरा काम को कितना दिन में, तो फिनिश बराबर इक्वल लगाएंगे तो चार दिन। और वाई एक बटा आठ काम को एक दिन में, तो एक काम को कितना दिन में, तो आठ दिन में। यानी एक्स पूरा काम को चार दिन में करता है और वाई पूरा काम को आठ दिन में करता है। दोनों साथ मिलकर कार्य कितना दिन में कर लेगा, दोनों मिलकर यानी एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर कितना दिन में, तो ए गुना बी बटा ए प्लस बी, यानी चार गुना आठ बटा आठ चार बारह, यानी आ गया चातियाई बारह, यानी आ जाएगा तीन गुना छ, तीन गुना छ दशमलव में दिया है, तीन गुना छ आ गया दो, तो फिर आ जाएगा कितना यहां से छतिया अठारह सेवन, इतना दिन। यानी ऑप्शन कौन जाएगा, ए नंबर, ऑप्शन ए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो शेयर और कमेंट जरूर करके बताइए।